अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती आगामी 2 जुलाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाई जा रही है, जिसे लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा में आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों के साथ दर्जनों गाँव में बैठक और सघन जनसंपर्क किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने विधानसभा वार सभी पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता कर अधिक से अधिक लोगों को यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती मिले जाने की अपील की। जानकारी देते हुए बताया कि जिले से सैकड़ों चार पहिया वाहनों के साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ता मामना की जयंती में शामिल होने के लिए जाएंगे। आप अपने बारे में बताएं। डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, प्रमुख प्रतिनिधि आराजी लाइन्स वाराणसी। आज किस तरह का आयोजन था? आज 2 जुलाई में लखनऊ में जो हम लोग अपना दल यस के संस्थापक अध्यक्ष यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, उसी की तैयारी के लिए एक बैठक क्षेत्र पंचायत सदस्य बिरभानपुर राजू पटेल के कार्यालय पर किया गया। इसमें तमाम ग्राम पंचायतों से हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता और कार्यकर्ता इसमें शिरकत कर रहे थे। आज इस कार्यक्रम से निकलने के बाद हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने गाँव में जाएंगे और वहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जन्मदिन में शिरकत करने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2 जुलाई को लखनऊ के सरजमी पर हम ले चलेंगे और वहाँ लखनऊ के सरजमी पे जाने के बाद यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों को, सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को सुन करके आत्मसात करेंगे कार्यकर्ता और जनता। वहाँ से गांव में जब आएंगे हम तो पुनः हम उनके नीतियों को, सिद्धांतों को, उनके विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने चर्चा किया, एक बैठक किया, कार्यकर्ताओं के गांव की तरफ हम लोग रवाना किए हैं। हमें विश्वास है कि हम बड़ी संख्या में पूरे जनपद से कार्यकर्ताओं को लखनऊ की सरजमी पे ले जाने में सफल होंगे। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक रोहनिया और तमाम हमारे विधानसभा अध्यक्ष, पार्टी के तमाम पदाधिकारी जगह जगह पर इसी तरह की कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वहाँ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को लखनऊ की सरजमी तक ले जाने की तैयारी में हम लोग जी जान से जुटे हैं। हमें चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी लाइन्स निष्ठा उपाध्याय और क्षेत्राधिकारी नगर हर्ष पांडे के नेतृत्व में 5 विशेष टीम द्वारा कस्बा राजापुर में अवैध रूप से संचालित नकली गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में सुपारी, कटी और फटी हुई तंबाकू, केमिकल, पेपरमेंट, लौंग, इलायची, माउथ फ्रेशनर जैसे अन्य सामग्री, उपकरण भी बरामद किए गए। अवैध गुटखा फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसको लेके कैसे क्या हुआ? जी, कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध गुटखा फैक्ट्री का संचालित किया जा रहा है जनपद चित्रकूट में, तो उसी का संज्ञान लेते हुए कुछ गोपनीय सूचना एकत्रित की गई और 27 जून को सीओ लाइन श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं सीओ सिटी श्री हर्ष पांडे के नेतृत्व में 5 विशेष टीम्स का गठन किया गया, जिन्होंने एक ही साथ 5 संभावित लोकेशंस पे छापेमारी की। और ये इसीलिए किया गया ताकि पूरे ऑपरेशन की एक गोपनीयता बनाई रखी जा सके। उन 5 स्थानों में से 3 स्थानों पर अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित पाई गई और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, एक जुगराज केसरवानी हैं जो इन तीनों फैक्ट्री के मालिक हैं और इनके साथ सुशील कुमार जो यहाँ पे मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फैक्ट्री तो जुगराज केसरवानी के स्वयं के निजी मकान में ही संचालित थी और बाकी 2 किराए के मकान में संचालित थी। तो पुलिस की छापेमारी के बाद वहाँ पे हमने GST की टीम्स को और खाद्य सुरक्षा की टीम्स को बुला लिया गया था, क्योंकि जिस तरह के केमिकल्स वहाँ पे पाए गए थे तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि शायद अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है जो ज़्यादा एडिक्टिव होता है और सेहत के लिए भी ज़्यादा हानिकारक होता है। और ये यहाँ से इनसे जो प्राथमिक पूछताछ की गई है उसके आधार पर आसपास के जनपदों में इनके द्वारा काफ़ी बिक्री इस नकली गुटखे की जा रही है, तो इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और बहुत भारी मात्रा में इन तीनों लोकेशन से बरामद भी हुई है।
जो केमिकल्स और अन्य ये गुटखा बनाने की सामग्री है उसकी अनुमानित लागत 35 लाख रुपये है, और जो इनकी मशीन्स और बड़े जनरेटर्स और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं उनकी अनुमानित लागत लगभग 50 लाख रुपये है। तो आज दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और बाकी सभी विभिन्न मैडम, ये जो गुटखे लोग बनाते थे ये लोग पूरा मटेरियल यहीं पे बनाते थे कि कहीं बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते थे? हाँ जी, रॉ मटेरियल बाकी जगह से भी आता था, तो उसकी ट्रेल अब हम आगे विवेचना में ट्रेस करने का प्रयास करेंगे और बना के फिर ये कई अन्य जनपदों में बेचते हैं। फर्रुखाबाद थाना राजेपुर क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां 6 वर्षीय बच्ची से युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बता दें, बच्ची गांव में बारात देखने गई थी, देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की। घर पहुंचकर बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। युवक के खिलाफ परिजनों ने थाने में तहरीर दी। आप बच्ची से क्या मामला हुआ? बच्ची रात 9 बजे हमारी गायब गई, हम लोग ढूंढते रहे लमसम 11:30 बजे जो 2.5 घंटा तक ढूंढो, बाद में अपने आप बच्ची चली के आए। जब चले के आए तो नंगी थी, उसके आनंद पेंट तो पूरी भीगी हुई थी। तो क्या लगता है आपको बच्ची साथ? बच्ची के साथ जो भी गलत है वो आई, रेप करने की कोशिश करी। कितने किया? मल्लू सिंह खरियरपुर। तेरी दिया बताने? हाँ, सब वो क्लियर रिपोर्ट लिखवाई। बच्ची की उम्र आप 6 साल आई। अमेठी में सरे बाजार नकाबपोश बदमाशों ने खाद व्यापारी के पूरे परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लूटे। आधी रात घर के आंगन में लगे जाल को काटकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। रामगंज थाना क्षेत्र के रामगंज कस्बे का यह पूरा मामला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप संग नमामि गंगे ने देवशयनी एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर भगवान आदि केशव की आरती उतारकर जनकल्याण की कामनाएं की। भारत की शोक एवं समृद्धि और गंगा निर्मलीकरण की गुहार लगाकर श्री आदि केशव को फल और मिष्ठान का भोग लगाया। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और चतुर्मास के प्रारंभ होने के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की उपासना कर सभी के जीवन में धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति की प्रार्थना की। टीम के सदस्यों ने आदि केशव घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। काशी के द्वारा कहे जाने वाले आदि केशव तीर्थ के गंगा घाट से अनेकों प्रदूषण जनक सामग्रियों को समेट कर कूड़ेदान के हवाले किया। बरसाना के गैवर वन के निष्प्रंस संत ब्रह्मशीय सम्मानित रमेश बाबा महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा पर्व पर शास्त्रीय नृत्य संगीत की अनूठी प्रस्तुतियों से श्री राधा रस मंडप सभागार झंकृत होने दिखेगा। बता दें, इस पर्व पर राष्ट्रपति से फर्स्ट लेडी अवार्डेड एवं हाल ही में मध्य प्रदेश शासन से दुर्लभ खाद्य वादन हेतु 1 लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त विश्वविख्यात संतूर वादिका डॉक्टर वर्षा अग्रवाल उज्जैन से पधार रही हैं। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इस बीच माताजी गौशाला में गायों के मध्य संतूर वादन कर उन्हें संगीत से प्रभावित कर सकारात्मक प्रभाव भी दिखाएंगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 जुलाई सोमवार को माताजी गौशाला में आयोजित होने वाले संगीत समारोह को लेकर मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री से प्रेसवार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि रमेश बाबा महाराज के पावन सानिध्य में इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के मौके पर बरसाना धाम में देश के विख्यात संगीतज्ञों को आमंत्रित किया गया है। मान मंदिर पर संगीत समारोह, तो इसमें कौन कौन कलाकार आमंत्रित किए गए हैं और कितने बजे शुरू होगा? जी, ये कार्यक्रम 3 जुलाई को शाम 5:30 बजे शुरू होगा गैवर वन में और रस मंडप में, श्री राधा रस मंडप में। और इसमें भारत के बड़े चोटी के कलाकार बुलाए गए हैं, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल और पंडित ललित महंत, ये संतूर और तबले पर जी प्रस्तुति देंगे अपनी। और ये विश्व की जानी मानी महिला कलाकार हैं संतूर की, और पहली कलाकार हैं संतूर वादन के क्षेत्र में। दूसरे हमारी कलाकार आ रही हैं श्रीमती आस्था गोस्वामी, जो वृंदावन से आ रही हैं, रहने वाली वो लखनऊ की थी, लेकिन वो राधा रमण जी के मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं अपने, उनके यहाँ वो उनका विवाह हुआ, तो वो यहाँ वृंदावन वास कर रही हैं। वो अपना शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगी, वो गिरजा देवी जी की शिष्या रही हैं। और उसके अलावा नयनका घोष आ रही हैं, जो कथक नृत्य के लिए आ रही हैं, वो गुरुग्राम से आ रही हैं। इनके साथ जो संगति के लिए आ रहे हैं
आस्था जी के साथ में, वो उस्ताद अख्तर हसन जो टॉप ग्रेड कलाकार हैं आकाशवाणी दूरदर्शन के फर्रुखाबाद घराने के, वो आ रहे हैं, और कौशिक मित्रा हारमोनियम पर संगति करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरीके से देश के जाने माने कलाकार सब लोग यहाँ पर आएंगे और बाबा महाराज का आशीर्वाद लेंगे और राधे रानी की कृपा उन पर बरसी है, इसलिए वो आ रहे हैं। क्या आयोजन मान मंदिर सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है? ब्रजमंडल में पद्मश्री विभूषित श्री रमेश बाबा जी महाराज संगीत की निधि हैं, तो हम सभी लोगों ने विचार किया है कि चूंकि लाखों लोग उनके अनुयायी हैं और वो उनको उत्सव गुरु पूर्णिमा का मना है, तो उस उत्सव में संगीत की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए विचार किया है कि भारत के जो मूर्धन्य संगीतज्ञ हैं, चाहे वो तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, नर्तक हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है और उनकी प्रस्तुति होगी और इसी रूप में हम लोग गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। श्री जी बताएं, जो ये कार्यक्रम मान मंदिर पर कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आज वर्तमान में हमारे हर क्षेत्र में आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं विकृति दिखाई पड़ती है, तो संगीत के क्षेत्र में भी वो दिखाई पड़ता है। तो पूज्य बाबा महाराज की विशेष इच्छा है कि यहाँ जो संगीत का मूल स्वरूप है वो बरसाने से प्रकट हो और जो अच्छे साधक भारतवर्ष के हैं संगीत के, उनको बुलाकर यहाँ विशेष मानद उपाधि देकर उनको श्री जी नादश्री सम्मान से विभूषित किया जाए। और ये संदेश हम जो सनातन धर्मावलंबी हैं और हमारे संगीत से जो प्रेम रखते हैं उन तक एक संगीत की सही दिशा और संगीत के प्रति रुचि उनके हृदय में जागृत हो, इसलिए आजकल की जो युवा जनरेशन है जो इससे दूर हो चुकी है उसके हृदय में संगीत के प्रति आस्था और सही संगीत की दिशा उनको दिख सके, इसका एक छोटा सा प्रयास यहाँ से गुरु पूर्णिमा से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये प्रतिवर्ष यहाँ से अब प्रारंभ हो गया है।